हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टी एस एन. स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3. फर्स्टली हमने इसके अंदर पढ़ा था, हमारे लिबरलाइजेशन में पढ़ा रही हूँ आपको. इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज बनाई थी कि किस ढंग से देश को आगे बढ़ाया जाए. सो सेकेंड फर्स्ट हमने इसके अंदर क्या क्या रिमार्क्स थे. जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या किया गया कि कुछ गुड्स को अलाउ किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अलाउ किया गया, ये सारे. अब इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ेंगे. फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज अ कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. जो फाइनेंशियल है वो देश का, वो कौन कौन लेता है, वो कौन कंट्रोल करता है. कमर्शियल बैंक करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है हमारा, और ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे इसके अंदर आते हैं. द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया के अंदर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है. यू मे टू बी अवेयर दैट द ऑल बैंक्स एंड द ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ RBI. RBI बहुत सारे नॉर्म्स चलाता है, रेगुलेशन चलाता है, रूल्स रेगुलेशन चलाता है. उनके आधार पर ही क्या किया जाता है, जो बैंक अपना पूरा क्या करता है, रूल रेगुलेशन के आधार पर पूरे दूसरे बैंकों को रिगार्ड देता है और वो काम करवाता है. इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ RBI. द RBI डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ मनी. RBI डिसाइड करता है कि कितना बैंक अपने पास मनी रिजर्व में रखेगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या लेगा, और नेचर ऑफ लीडिंग वेरियस सेक्टर, किस ढंग से वो सेक्टर्स को करेगा. वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. अब जो फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म था उसका अंदर ये अंडरलाइन कर देना कि रिड्यूस द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर ऑफ फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. ये जब रिफॉर्म आया तब इन्होंने क्या, इसमें क्या किया गया, इसमें ये बताया गया कि जो RBI है उसका कंट्रोल कम किया जाए देश से. दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर मे बी अलाउड टू टेक डिसीजन, कि फाइनेंशियल सेक्टर ये डिसीजन लेना शुरू करे ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द RBI. RBI से कोई कंसल्ट ना करे कुछ सेक्टर्स में और उनका कंट्रोल कम हो जाए, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा. इस रिफॉर्म के अंदर यही था. सो द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक. इसके अंदर क्या बताया, इस रिफॉर्म पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर में भी कई बैंक आए और इंडिया में फॉरेन में भी कई बैंकों को इंडिया में जगह दी गई. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन, हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था लिमिट इन बैंक्स वाज राइज टू अमाउंट 74%. जो हमारे यहाँ पे फॉरेन की जो थी वो हमारे यहाँ पर 74% तक रह गई थी. जो फॉरेन की जो लिमिट थी वो 74% तक रह गई थी. Those bank which fulfill certain condition have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI. कई बैंकों ने अपनी नई ब्रांचें शुरू कर दी थी बिना RBI के पूछ के, एंड रेशनलाइज देयर एक्साइटिंग ब्रांच नेटवर्क, और अपना ब्रांच को जो नेटवर्क था उनको बढ़ाया गया. थ्रो बैंक हैव बीन गिव परमिशन टू जनरेट रिसोर्स फ्रॉम इंडिया एंड अबॉर्ड. और ये कहा गया कि परमिशन दी गई कि कुछ रिसोर्स जो इंडिया और बाहर से भी मंगाए गए उनको दूसरी जगह जनरेट किया गया. जो मैनेजरल था एस्पेक्ट से उनको RBI ने सजेस्ट किया. सो इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड की गई. जो होल्डर अब आता है कि एक FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे वो भी हमारे इंडिया में आने लगे, और क्या किया, उन्होंने मर्चेंट बैंकर्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने लगे. आर अलाउड टू इन्वेस्ट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. और इससे क्या हुआ, इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट ग्रो करने लगा इस पॉलिसी से. नेक्स्ट आता है टैक्स रिफॉर्म. टैक्स रिफॉर्म आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी. और इसके अंदर दो तरह की टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी आती है टैक्स के अंदर, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फेशियल पॉलिसी. और ये क्या कहलाती है, फेशियल पॉलिसी कहलाती है इंडिया की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. यहाँ दो टाइप के टैक्सेस लगाए गए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. सो कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑफ इनकम और इंडिविजुअल. जो इनकम पर भी लगाए गए और इंडिविजुअल पर भी लगाए गए, एज वेल एज प्रॉफिट पर भी लगाए गए ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस सिंस 90, और बिजनेस एंटरप्राइजेस पर भी लगाए गए कि कितना प्रॉफिट किसको हो रहा है उसके आधार पर उस पर टैक्स लगाया गया इन 1991 से.
देयर हैज बीन अ कंडीशन रिड्यूसिंग इन द टैक्सेस एंड इंडिविजुअल इनकम एज इट वॉज फेल्ट दैट हायर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वर एन इम्पॉर्टेंट रीजन। उस समय क्या था, जितनी ज़्यादा इनकम होती थी उतना ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था और ये बेनिफिशियल हो रहा था। टैक्स वर एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टैक्सेशन। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सपेक्टेड दैट मॉडरेट रेट्स क्या होती है, जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है, ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग और डिस्करेज ऑफ इनकम। मतलब कि जब ज़्यादा इनकम होती है तो टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा और सेविंग भी कम होगी, और जब इसके आधार पर टैक्सेस को रिन्यू किया गया, द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स विच वॉज वेरी हाई, जो रेट थे कॉर्पोरेट टैक्स की वो बहुत ज़्यादा हाई थी, हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस, उन्हें कम किया गया। एफर्ट हैव बीन ऑल्सो मेड रिफॉर्म इन डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया गया, टैक्सेज लिव्ड ऑन कमोडिटीज, जो कमोडिटी पर जो टैक्सेज लगते थे उन्हें कम किया गया, एस्टेब्लिश ऑफ ए कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटी, उन्हें कम किया गया और कॉमन मार्केट में फैलाया गया। इन 2016 द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ, 2016 में इंडिया पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जिसे हम GST भी बोलते हैं, और वो 2017 में अप्लाई किया गया। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशन रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। किसके लिए किया गया, ताकि गवर्नमेंट को एडिशन रेवेन्यू और इनकम प्राप्त हो। सॉरी और ये क्या था, रिड्यूस टैक्स एवर्जन एंड क्रिएट, पूरे देश में एक टैक्स एक नेशन का पूरा रिकॉर्ड बनाया गया। सॉरी स्टूडेंट, वन टैक्स एंड वन मार्केट। अनदर कंपोनेंट रिफॉर्म इन दिस एरिया इज सिंप्लीफिकेशन, और इसको एक सरल बनाया गया। इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कंपनसेशन ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स प्लेयर, मैनी प्रोड्यूसर्स हैव बीन सिंप्लीफाई एंड द रेट ऑफ सब्सिडी लोअर्ड, और ये इसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम का मेन पॉइंट था, GST लागू करना। GST का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है, तो स्टूडेंट इसे कवर करें। सेकेंड आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या होती है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर, जो एक्सटर्नल सेक्टर था उसके अंदर फॉरेन को, जो फॉरेन की जो एक्सचेंज थी उसे इंडिया में लाना था, है ना। एज एन इमीडिएटली मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस समय जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस हो रहा था कि उसे कम करना था। द रुपीज़ वॉज डेवल्यूटेड, जो रुपीज़ थे उसकी वैल्यू बढ़ाई गई, अगेंस्ट फॉरेन करेंसी में जो वैल्यू थी वो गिर गई थी। दिस लेड टू इंक्रीज इन द इन लॉ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट ऑल्सो सेट द टोन ऑफ फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ रूपी वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट के कंट्रोल से रुपए की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया। नाउ मोर ऑफन दैट नॉट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म बनाया गया, कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म पॉलिसी क्या होती है। पॉज कर सकते हैं।